हमें नहीं पता कुछ कौन क्या करेगा, ये गांव के लोग बता रहे कि ये बीजेपी का चचा जान है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी किसी को चचा जान के, ना ये तो यहाँ की तहजीब है, खेले को क्या ऐतराज है आपको भाई किसी को। अब सर ऐतराज की बात अगर आप करेंगे, फिर योगी जी ने अगर अब्बा जान कह दिया था तो उस पर क्या ऐतराज हो गया था, फिर तो अब्बा जान भी स्वीकार कर लेते। अब योगी जी अगर अब्बा जान कहें तो सबको ऐतराज, टिकैत साहब चाचा जान कहें तो फिर ये तहजीब, अब ये कैसे सर, ये कैसे हो सकता है फिर ऐतराज? तो ये तो शब्द है, अपना कहते रहो, हम तो भाषा वो बोलते हैं जो गांव के लोग कहते हैं। तो योगी जी के अब्बा जान पर भी आपको कोई आपत्ति नहीं है ना फिर? मैं ये दोनों इनसे बच के रहना। अरे सुनिए तो फिर ये बताइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को, ना हमने बयान सुने। अच्छा तो योगी जी वो जो कह रहे थे कि पहले अब्बा जान जो है वो खा जाते थे राशन, वो उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई ऐतराज नहीं, कौन कौन किसको क्या कहता है वो तो कह रहे, हमने तो बयान सुनते नहीं, ना हमें टाइम मिलता, ना वहाँ पे लाइट वाइट बेची काट कर रखे, एक आध घंटा रहे वहाँ बॉर्डर पे, हम ज्यादा बयानबाजी सुनते ही नहीं किसी की, पिछले 8 महीने हो गया। मतलब टिकैत साहब आप लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि साहब हम इस अहंकारी सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहला टेस्ट आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के बीजेपी में उत्तर प्रदेश चुनाव में आने में बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसी वजह से आप निशाने पर ले रहे हैं ओवैसी को और चाचा जान कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे मसले तो गन्ने के हैं, उत्तर प्रदेश में आलू का किसान का मसला है, यहाँ पे फसलें MSP पे नहीं बिकती उसका मसला है, हमारा करीब 18-20 हजार करोड़ रुपया बका है उसका मामला है, बिजली सबसे महंगी है उसके मामले हैं, कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, हमने किसी की ठेकेदारी नहीं ले रखी, और हमने तो बता दिया ये बीजेपी के कैंडिडेट हारा हुआ कैंडिडेट भी जीत का सर पे टिकट लेकर जाएगा। अच्छा ये क्या दिक्कत होगी, बीजेपी तो जीत ही रही, हार कहाँ रही भैया, तो जो हारेंगे भी जीत का सर पर कट लेकर जाएंगे, इनको क्या इतराज है, तो चुनाव कहाँ है ना इतनी संघर्ष करने की जरूरत है, DM DC ये बने रहियो और सरकार अपना सब सर पर टिकट जीत के देगी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी इनको तो। मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, मतलब का पता नहीं आपको, आप बताइए ना सर, आप मुझसे सुनना चाहता है देश, आप जिले का नाम आप बताओ ने, अरे जिला पंचायत में कौन से जिले का मतलब पूछना चाह रहे हैं आप बताओ। ABP News आपको रखे आगे।